तो मैं ये चाहूँगा कि आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट पीसीबी की टीम जिसने ये सब तैयारी की है। अब हमने आके उसके अंदर कुछ इजाफे भी किए हैं, कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ भी की हैं, और बड़ी अच्छी टीम यहाँ बन गई है जो कि अब PSL को 8 को चलाएगी। एंड आई थिंक दिस रियली जेन्यूनली द हैशटैग शुड बी कि ये यार ये तो दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड स्टार स्टडेड इवेंट। सो आई बी वेरी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस नाउ। थैंक यू चेयरमैन। मीडिया रिलीज आपके फोन्स के ऊपर आ गई होगी, बट इसके अलावा जैसे चेयरमैन ने कहा अगर आपका कोई सवाल हो तो डू आस्क मी। बकरी और फिर जब आप चार अबुल मर इंडोर स्कूल में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहली, तो उसमें दो सवालों में आपने कहा था कि हम क्वेटा को मैच देगा और कमांडर साहब से भी बात हो गई है, तो क्वेटा वेन्यूज के अंदर शामिल नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, हमारी जो पहली MC की मीटिंग थी उसमें ये बताया गया कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट और कमांडर साहब एक एग्जीबिशन मैच करवाना चाह रहे हैं वहाँ, और तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसी वक्त मैंने फ़ोन उठाया और मैंने जनरल आसिफ रसूल से बात की तो उन्होंने कहा जी हमें एग्जीबिशन मैच चाहिए। तो उस पर मैंने उनसे ये कहा कि देखिए अभी तो वहाँ स्टेडियम का हाल क्या है वो आपको पता ही है वगैरह वगैरह, मगर अगर आप सब चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो एग्जीबिशन मैच तो हम बिल्कुल करवा देंगे, मगर हम अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हम कोई PSL के एक आध मैच वहाँ करवा दें। तो वो तो कहने लगे जी इससे बेहतर क्या हो सकता है कि अगर आप ये ऐसे हो जाए कि नहीं, मगर उसके लिए PSL में और एग्जीबिशन मैच में बड़ा फ़र्क है, कंडीशंस की रिक्वायरमेंट्स बड़ी फ़र्क है, एक इंटरनेशनल लेवल है एक डोमेस्टिक लेवल है। तो वो फिर उनसे जब बात हुई तो जब इंटरनेशनल लेवल की प्रेपरेशंस की तैयारी की बात हुई बोथ इन टर्म्स ऑफ द सिचुएशन देयर ऑन द ग्राउंड एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द फैसिलिटीज़, तो फिर ये फैसला हुआ कि शायद इस साल इट विल बी प्रेमेच्योर।